इस चिट्ठी पर और उस तीर पर एक जैसा निशान क्यों है? सुनैना के लिए मैं मुंह मांगी रकम लूंगी। मेरी साधना से अब चंद्र ग्रहण होगा। तो कहीं वो अड़ियल घुड़सवार किसी राजमहल का राजकुमार तो नहीं? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नानी के पास वो चिट्ठी है, उस पर वही निशान है जो साड़ियल घुड़सवार के तीर पर है। आखिर ये निशान कैसा है? अच्छा नानी, एक बात बताओ, इस चिट्ठी पर और उस तीर पर एक जैसा निशान क्यों है? ये किसी राजमहल का चिन्ह लग रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नानी बताओ ना। बेटा, कुछ चीजों के बारे में नहीं जानने में ही भलाई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जानना तेरे लिए जरूरी हो। तो फिर ये चिट्ठी पढ़ने क्यों नहीं दे रही हो नानी? क्योंकि बेटा, ये चिट्ठी पढ़ने का नहीं, विवाह की तैयारी का समय है, इसलिए। नहीं नानी, मुझे सब जानना है। बच्चों की तरह जिद मत क्या करो सुनैना। और अभी तुझे इस बारे में क्यों सोच रही है? देख बेटा, कल तेरा विवाह है और बेटा तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कल। हाँ, तुम ये तीर और चिट्ठी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। हाँ नहीं, मुझे अतीत के बारे में सब कुछ जानना है नानी। बेटा, कहते हैं कि अतीत सुख से भरा हो या दुख से भरा, पर देता तो सिर्फ दुखी है बेटा। कुछ तो है जो नानी छुपा रही है। इस बार ऐसी लड़की हाथ लगी है जिसके लिए मोटी रकम लूंगी मैं आपसे। मिल जाएंगे, मगर लड़की हाथ आने के बाद। सुनैना के लिए मैं मुंह मांगी रकम लूंगी, क्योंकि ये लड़की और लड़कियों से एकदम अलग है। ठीक है ठीक है। नहीं, हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। पर एक लड़की को बेचा जा रहा है, क्या ऐसे में चुप रहना ठीक होगा? नहीं, हमें उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। हम आपको कितनी बार समझाएं कि महल की बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, खासकर वो गांव और गांव के वो लोग। पर माँ ने कहा था कि हमें इन गांव वालों से दूर रहना है। नहीं, अब हम और माँ का दिल नहीं दुखा सकते। मैंने कहा था कि हमें उन गांव वालों से दूर रहना है। हम मां का दिल नहीं दुखा सकते। नहीं, चल। और हाँ, मां को बहू के रूप में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी ही चाहिए। अरे हाँ, लक्ष्मी ही तो आ रही है धन की प्रसाद करने। जानती है सुनैना बेटा, मैं जब भी माथों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा वर तुझे मिल ही नहीं सकता था। कितना गुणी है, कितना समझदार है बेटा। मेरी बातें क्यों टाल रही हो नानी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू अपने भविष्य के अलावा किसी और बात के बारे में भी सोचे। सुने ना बेटा, बेटा ये पल बार बार नहीं आता। खुशी बना बेटा, ये सब बेकार की बातें सोचकर परेशान मत हो बेटा। बेटा मेरी बातें समझा कर। इसे यहाँ इस घेरे में बिठाओ, बिल्कुल मेरे सामने। Om
ध्यान से सुन, ये नींबू संभाल कर रखना। विवाह की रात इसे अपने बिस्तर के नीचे रख देना, ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। मगर याद रखना, विवाह के बाद मुझे अधिराज और तुम्हारा बच्चा चाहिए, जल्द से जल्द से जल्द। वो बच्चा जो मुझे परम शक्तिशाली बना देगा, जो मेरी उम्र को कभी ढलने नहीं देगा, जो कभी मेरा विनाश नहीं होने देगा, फिर ना तो मुझे किसी लाल सिंदूर से डर होगा, ना किसी दिव्य शक्ति से। मैं हमेशा हमेशा के लिए अजर, अमर और अजय हो जाऊंगी। जिन देवी देवताओं की पूजा ये इंसान करते हैं, मैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। जीवन उसका है, उसका भाग्य है, और माधव जैसे लड़के को उसी ने पसंद किया। अब गलती उसने की है तो परिणाम भी उसे भुगतना होगा ना। और यदि हम जाकर उसे सब कुछ सच बता भी दे तो वो कौन सा हमारी बात पर विश्वास करेगी? बल्कि चार बातें हमें सुना देगी, कमंटी लड़की। अगर ये चिन्ह किसी राजमहल का है तो कहीं वो अड़ियल घुड़सवार किसी राजमहल का राजकुमार तो नहीं? कहीं ये वही राजमहल तो नहीं जो नानी की कहानी में होता है? पर मेरी माँ का उस महल से क्या संबंध हो सकता है? कोई राज तो जरूर है उस महल का, पर वो महल है कहाँ? स्वराज, परेशान क्यों हो? मासी, मुझे डर है कहीं इस महल में रहने वाले दास दासी हमारी सच्चाई ना जान जाए। घबराओ मत स्वराज, शायद तुम भूल रहे हो कि इस महल के सारे दास दासियों का मैंने वशीकरण किया है, वो सब मेरे बस में है। बस एक गूंगा दास को छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि उस गूंगे से मुझे कोई खतरा नहीं है। बताओ क्या खबर लाए हो? क्या अधिराज ने फिर से उस लड़की से मिलने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं मासी, बल्कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि उसने कुछ लोगों को उस लड़की के बारे में बात करते हुए सुना कि विवाह होने के बाद वो उस लड़की को बेच देंगे। और ये बात अधिराज ने उस लड़की को जाकर नहीं बताई। ये इंसान हमें न जाने किन किन बुरे नामों से बुलाते हैं। चुड़ैल, डायन, डाकिनी, पर ऐसे इंसानों को क्या नाम दें जो अपनी बहू बेटियों को बेचते हैं? इंसान के खाल में दैत्य हैं ये।
इन्हें तो इनके देवी देवता भी नहीं बचा सकते, इन्हें मैं बचाऊंगी। जिस दिन मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी, उस दिन मैं इन इंसानी राक्षसों को शरण दूंगी। फिर ये अपने देवी देवताओं को भूलकर मेरी पूजा करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाए। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। कन्या वर को वरमाला पहनाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर अपना दाहिना हाथ आगे करेगा और वधु अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में देगी। तदैव लग्नम सुदिरं तदैव तारामलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते देन्द्रियुगं स्मरामि। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अग्नि देवताभ्याम नमो नमः। दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपते गुण नमः स्वाहा। अब वर कन्या को मंगल सूत्र पहनाएगा। अब वर कन्या के मांग में सिंदूर भरे। शास्त्रोक्त विधि द्वारा आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाइए अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अपनी जगह से स्वप्न था।
उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? नफरत करते हैं मुझसे। रात को सपनों में आती है, सुबह विचारों में आकर हमारा दिन खराब कर देती है। नहीं, हम उस लड़की के बारे में सोचकर हमारी विवाह की रस्म खराब नहीं करेंगे। प्रणाम। खुश रहो। आज तक ऐसी कोई सुबह नहीं हुई जब आपने हमारे पास आकर हमारा आशीर्वाद ना लिया हो। आपको देखे बगैर हमारी सुबह भी नहीं होती माँ। सुबह उठकर यदि हम सबसे पहले कुछ देखना चाहते हैं, तो वो है आपका चेहरा। आज आपका विवाह है। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखना एक माँ का सपना सौभाग्य दोनों है बेटा। आज हमारी तपस्या सफल होने वाली है। तपस्या? और नहीं तो क्या? जिस स्त्री से उसका पति छिन गया हो और उसकी गोद में उनकी संतान हो, उस संतान का पालन पोषण करना, उसे अच्छे संस्कार देना, उसके लिए जीवन साथी ढूंढना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है बेटा। और हमें तो अपनी परवरिश पर अभिमान है कि आपने अपने विवाह का निर्णय हमारी इच्छा के अनुसार लिया। और आपकी इच्छा के विरुद्ध तो हम जा भी नहीं सकते माँ। वैसे हम आपके विवाह में नहीं रहना चाहते। नहीं रहना चाहते? मैं तो आपके बिना माँ। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को उसकी माँ की नजर सबसे पहले लगती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को किसी की भी नजर लगे। और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में छोटी सी भी परेशानी है। हम आपके सामने नहीं रहेंगे, मगर रहेंगे तो आस पास ही ना। दीदी बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है। दीदी अभी तक तोरण नहीं लगाया? हाँ हाँ अभी लगाती हूँ। अरे दुल्हन तैयार हुई कि नहीं? ये दुल्हन ना इतनी जल्दी नहीं तैयार होने वाली काकी, सुबह से भाग भाग कर पूरा घर का काम कर रही है, और ये रंगोली बनाई और अभी ये तोरण लगाना शुरू। बारात आ जाएगी तब जाएगी क्या तैयार होने? जल्दी से तैयार हो जाओ सुनैना। हल्दी की रस्म कब होगी? अभी तक लड़के वाले के घर से हल्दी नहीं आई? हल्दी आ गई नानी जी। प्रणाम नानी जी, ये रही हल्दी, माँ ने भिजवाई है। पर बेटा, विवाह से पहले दूल्हे को दुल्हन के घर नहीं आना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है बेटा। दूल्हे को नहीं आना चाहिए नानी जी, पर बेटा तो आ सकता है ना, और मैं यहाँ पर आपका बेटा बनकर आया हूँ, सुनैना का पति बनकर नहीं। और नानी जी, आपको किसी भी तरह की मदद की कोई भी जरूरत हो आप मुझसे कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा नानी जी। बेटा, मैं आंखों से देख तो नहीं सकती, पर मुझे दिखाई दे रहा है बेटा कि तुमसे अच्छा जीवन साथी मेरे सुनैना के लिए हो ही नहीं सकता। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते, समझे जीजा जी? हाँ हाँ हमें पता है, पर शायद आपको ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर आपकी दीदी को देखने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी नानी जी की मदद करने आया हूँ। ओहो हो, बुरा लग रहा है ना कि दीदी को देख नहीं पाए। कोई नहीं, थोड़ा
सबर कर लीजिए। वो क्या कहते हैं ना, सबर का फल बहुत मीठा होता है। तारा तू क्यों सता रही है मेरे माधव बेटे को? हाँ जा, जाके सुनैना को तैयार कर। माधव बेटा तुम भी जाओ, वहां भी बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि बारात आने में थोड़ी भी देरी हो और मुहूर्त निकल जाए। आज का मुहूर्त पूरे साल में सबसे ज्यादा अच्छा है बेटा, और इस मुहूर्त में जिसका विवाह होता है ना, उसका रिश्ता 7 जन्मों तक जुड़ा रहता है। और बेटा ये मुहूर्त ऐसा है कि इसमें अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को वरमाला भी पहना देना तो वो विवाह माना जाता है। सुना आपने नानी जी ने क्या कहा? बेटा ये अपनी माँ को दे देना। प्रणाम नानी जी। खुश रहिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। पर मुड़िएगा नहीं, बस सुनिए। सुन रहा हूँ। अगर एक लड़की का होने वाला पति उसे और उसके परिवार वालों को मान सम्मान दे, उनकी परवाह करे, तो उससे अधिक भाग्यशाली लड़की कोई हो ही नहीं सकती। और आज मुझे लग रहा है मैं ही हूँ वो भाग्यशाली लड़की। चंद्रलेखा, तुमने तो कहा था ग्रहण में विवाह होगा, फिर आज के इनका विवाह तो उस मुहूर्त में होना था ना जब काली शक्ति चरम पर होगी। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, ना ही किसी मुहूर्त का, ना ही किसी ग्रहण का। मैं अपनी कठिन तपस्या से एक ऐसे मुहूर्त का निर्माण करूंगी जिसमें कनक और अधिराज का विवाह होगा। मेरी साधना से अब चंद्र ग्रहण होगा, और जब मैं हवन शुरू करूंगी तब इसके प्रभाव से सारी काली शक्तियां अपने चरम पर होंगी, और उसी अशुभ मुहूर्त में इन दोनों का विवाह संपन्न किया जाएगा। मगर ध्यान रहे कनक, आज रात को तुम्हें अधिराज को पूरी तरह से अपना बना लेना है। मेरी 21 साल की तपस्या सफल होने वाली है। आज ही के दिन के लिए मैंने उस राजा को अपने जाल में फंसाया था। उसके बाद राजा और रानी की हत्या कर दी थी। अब फिर उनके बच्चे को लेकर इस महल में ले आई थी। क्योंकि मुझे एक अच्छी आत्मा की जरूरत थी मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और वो अच्छी आत्मा राजा और रानी का बेटा है, अधिराज। अधिराज, अधिराज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे छोड़ दें? तुमसे ही तो मेरी साधना की पहली विधि जुड़ी है। और अधिराज को सही समय पर तैयार करके विवाह के मंडप में ले आना। अरे वो देखो राजकुमार। हाँ वो देखो, राजकुमार घोड़े पर सवार होके आ रहा है।